गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द टुडे द डेट इज 6 मई 2020। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, क्लास 6, सेक्शन ए, चैप्टर नेम है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज, लेसन 1। हम थर्ड जनरेशन तक इसको स्टडी कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट करेंगे फोर्थ जनरेशन, जिसको वेरी हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर मोर एडवांस देन द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये बोले जो फोर्थ जनरेशन है वो एडवांस है एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। मैनी फीचर्स, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। कौन कौन से? हाईली यूज़र फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बोले हाईली यूज़र फ्रेंडली है, मतलब यूज़र इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंट है फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, इसमें क्या है, मिनिमम एफर्ट्स लगती है, मतलब एक तरह का बोल सकते हैं ताकत लगती है यूज़र को कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है या लेनी है। ठीक है, थर्ड है आपका डिज़ाइन टू रिड्यूस टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बोलते हैं ये किस लिए डिज़ाइन की गई है, टाइम को रिड्यूस करने के लिए एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जो हमारी कॉस्ट होती किसी भी सॉफ्टवेयर की, उसकी कॉस्ट को क्या कर देती है, ये रिड्यूस कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी होती है हमारी फोर्थ जनरेशन में, PHP, Perl, SQL। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ जनरेशन, इसको हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज और 5GL लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको। कंसिस्ट्स ऑफ विजुअल टूल्स टू डेवलप अ प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें ये किस चीज़ से बनी होती है, विजुअल टूल्स दिए होते हैं आपको कि आप क्या करो, कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल है मर्करी हो गया, प्रोलोग हो गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल मैक्सिमम यूज़ होता है क्योंकि उसमें क्या बनते हैं, हमारे रोबोट बनते हैं। ठीक है, तो ये किसके वो है एग्जांपल, ये इसी के हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज के हैं। सो स्टूडेंट्स, होमवर्क भी आपके लिए यही है, रीड राइट रिवाइज फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।